नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग घर अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं, लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप उनको देख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी लेक्चर, आज हम उसका लेक्चर नंबर टू देखेंगे। लास्ट टू में हमने देखा था कि समावयव क्या होते हैं, समावयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। और हमने कुछ तरह की संरचनात्मक समावयवता पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसके कुछ टाइप्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे जो हमने लास्ट देखा था, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टॉटोमेरिज। चलावयवता पढ़ रही थी। तो हमने इसमें बताया था टॉटोमेरिज किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन के मोशन, डायनामिक मोशन की वजह से होती है। यानी कि हाइड्रोजन क्या करता है, कभी अपनी पोजीशन चेंज करता है, 1-3 पोजीशन पर मूव करता है। तो उसकी वजह से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे भी थे टॉटोमेरिज्म के। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, नाम भी सुना होगा आप सभी ने, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें क्या होती है, जैसे कि ये है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कहलाती है कीटो फॉर्म। ये कौन सी है, कीटो फॉर्म है ये। यहाँ पर हम देखें कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कीटो फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा अपनी पोजिशन से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CO CH3। ये वाली जो फॉर्म थी ये कीटो फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी कहलाती है, इनोल बन रहा है, इन भी है प्लस ओल एल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म बोलते हैं। तो ये कौन सी है, इनोल फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म। ये किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन का अपनी स्थिति चेंज करने के कारण होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, और जब हाइड्रोजन अपनी जगह चेंज करके कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया जुड़ने के लिए, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये कीटो फॉर्म थी, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप था, और ये इनोल फॉर्म आ गई, यहाँ पर इन और एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है। हम जानते हैं कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म। ये लगभग 91.7% बनती है, यहीं करो 91.9% अगर ये फॉर्म है, तो ये वाली फॉर्म बहुत कम रहती है, लगभग 7.9% ये वाली फॉर्म मिलेगी। तो यानी कि जो हम विलयन लेते हैं, इसका अगर हम विलयन लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों फॉर्म्स क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है ये फॉर्म इसमें चेंज हो रही होगी और ये वाली फॉर्म तुरंत इसमें चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमें ज़्यादा मात्रा में फॉर्म उपस्थित मिलेगी वो कौन सी होगी, कीटो फॉर्म। और ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन के मोशन की वजह से। तो ये थी टॉटोमेरिज, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम देखेंगे अगली समावयवता जो कि है मेटामेरिज। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगली समावयवता कौन सी हमारी, मध्यावयवता, मेटामेरिज। क्या होती है मेटामेरिज, ये जो समावयवता है मेटामेरिज, इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो तो सेम रहेगा, लेकिन उससे जुड़ने वाले एल्काइल समूह अलग अलग हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार की समावयवता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यावयवता। और ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, सजातीय श्रेणी के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, सजातीय है। सजातीय मतलब जो सेम फंक्शनल ग्रुप से होती हैं, यानी कि जो सेम कैटेगरी की स्पीसीज होती हैं, जो सदस्य होते
हैं उनमें जो समावयवता प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह समान रहता है परंतु कैसे लिखें, जब क्रियात्मक समूह समान होता है परंतु उससे जुड़े हुए एल्किल मूलक उससे जुड़े हुए एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के समावय मध्यावयव समावयव कहलाते हैं तथा इसे क्या कहते हैं, मध्यावयवता, इसे क्या कहते हैं, इसे मध्यावयवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है एस्टर का। किसका है, एस्टर का। जैसे हमारे पास एक एस्टर है CH3O C3H7, ठीक है। एक तो ये है, एक हम इसकी दूसरी फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2O CH2CH3। यहाँ देखें तो तीन और एक चार कार्बन, है और दस क्या है, हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। चार कार्बन, दस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सॉरी, यहाँ पर भी चार कार्बन, दस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यानी कि इनके अणुसूत्र तो समान है। अगर देखा जाए अणुसूत्र क्या है, समान है। क्रियात्मक समूह भी समान है, क्रियात्मक समूह समान है, इसका मतलब यहाँ पर क्रियात्मक समूह समावयवता तो नहीं हो सकती। वो तो तब होती है जब क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार के होते। क्रियात्मक समूह भी समान है, अणुसूत्र भी समान है, डिफरेंस क्या है, केवल एल्काइल रेडिकल्स, एल्काइल समूह के जुड़ने की व्यवस्था अलग अलग है। यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन की एक तरफ CH3 है और एक तरफ प्रोपाइल है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, इथाइल है। ये डाई इथाइल लिखा है, ये इथाइल, ये क्या है, ये तो है डाई इथाइल ईथर, और ये कौन सा है हमारा, ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में समावयव कहलाएंगे। कौन से समावयव, मध्यावयव समावयव कहलाएंगे। और इन दोनों के बीच में जो समावयवता पाई जाती है, यानी कि ये दोनों क्या पाई जाती है, मेटामेरिज्म। तो ये एग्जाम्पल है इसका, मेटामेरिज्म का। फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस क्या है, जो एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, इथाइल है, जबकि इनका अणुसूत्र समान है, ठीक है, और इनकी क्रियात्मक समूह भी समान है। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यावयवता कहते हैं, ठीक है। एक और लास्ट संरचनात्मक समावयवता बची हुई है, वो की होती है, कौन सी है, वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नाम से पता चल रहा होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वलय श्रृंखला समावयवता, यानी कि अणुसूत्र जो होंगे, कोई दो यौगिक हैं उनके अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन क्या होगा, एक ओपन चेन में होगा तो दूसरा किस में होगा, क्लोज्ड चेन, यानी कि एक तो रिंग बना रहा होगा और एक किस में होगा, ओपन चेन में, जबकि उनके अणुसूत्र क्या है, समान। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वलय श्रृंखला समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, वलय श्रृंखला समावयवता कहते हैं।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि इस प्रकार की समाव्यता में क्या होता है, तो इस प्रकार की इस प्रकार की समाव्यता में जो हमारे समावयवी होते हैं वो किसमें, ओपन चेन खुली श्रृंखला या क्लोज चेन बंद श्रृंखला यानी कि रिंग। क्लोज चेन का मतलब क्या है, वलय। तो इस प्रकार की समाव्यता में समावयवी ओपन चेन या क्लोज्ड चेन यानी कि वलय होते हैं, वलय वाले होते हैं। यानी कि जब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एक फॉर्म क्या हो, ओपन चेन में हो और दूसरी फॉर्म क्या हो, क्लोज यानी वलय में हो, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, तो वो आपस में समावयवी कहलाएंगे और उनकी समावयवता क्या कहलाएगी, उनकी समावयवता कहलाएगी वलय श्रृंखला समावयवता। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है हमारे पास CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी और सूत्र ले रहे हैं C3H7 लिया है हमने, क्या लिया है C3H7, और सूत्र रहेगा हमारा C3H7। उसमें से क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है, क्या है ये, प्रोपीन है, प्रोपीन, या फिर कह रहे हैं हम प्रोप वन इन IUPAC में, प्रोपीन या प्रो वन इन या वन प्रोपीन, लेकिन इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा हो गया क्या, हाँ सॉरी यहाँ एक कार्बन ज्यादा हो गया, C3H6 है सर सूत्र, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2। यहाँ देखा जाए C3H6, यहाँ पर भी तीन कार्बन छह हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तीन कार्बन और छह हाइड्रोजन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक तो ओपन चेन है और एक क्या है, क्लोज्ड चेन। यह है हमारी ओपन चेन और ये क्या है, क्लोज्ड चेन, लेकिन इनके हर सूत्र क्या है, समान है, इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे, समावयव कहलाएंगे, और इनकी जो समावयवता उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि जब कोई समावयवी ओपन श्रृंखला की, क्या कहते हैं, खुली हुई श्रृंखला के रूप में हो या तो फिर बंद श्रृंखला के रूप में हो, क्लोज चेन के रूप में, तो वो जो आपस में दोनों क्या होंगे, समावयवी होंगे, और उनकी समावयवता को हम क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये थी हमारी संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, समावयवता दो तरह की थी, संरचनात्मक और एक थी हमारी त्रिविम समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक को हमने पढ़ लिया, हमने सारे टाइप्स देख लिए, अब हम देखेंगे त्रिविम समावयवता। हालांकि ये संरचनात्मक समावयवता आपने 12th में भी पढ़ी होंगी, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने 12th में पढ़ी होंगी, फिर आप कहेंगे कि ये सारा तो हमने 12th में पढ़ा है, वही रिपीट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पढ़ी होंगी 12th में, अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे त्रिविम समावयवता के बारे में, दूसरा प्रकार क्या था समावयवता का, त्रिविम समावयवता। अभी त्रिविम समावयवता क्या होती है, त्रिविम का मतलब जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन में एक्स वाई और जेड, जेड एक्स वाई, जो तीनों डायमेंशन में हो, 3D स्ट्रक्चर हो वहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। पहली डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, संरचनात्मक समावयवता में, वहां हमने क्या देखा था, अणुसूत्र समान थे लेकिन संरचना क्या थी, अलग अलग थी, तो आपस में संरचनात्मक समावयव कहलाए और उनका यही गुण क्या कहलाया था, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो सकती है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, यहाँ पर भी अणुसूत्र क्या होंगे, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, यानी कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक मौजूद हैं जिनके अणुसूत्र तो समान हैं,
परंतु क्या भिन्न है? उनकी त्रिविम में व्यवस्था का मतलब है किस तरह की व्यवस्था हो सकती है? बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन, यानी कि तल के ऊपर, तल के पीछे या तल पर, यही हो सकती है ना। तो त्रिविम में व्यवस्थाएं अलग अलग हों, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक उनके अणुसूत्र समान हैं, परंतु त्रिविम में व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, यानी कि ग्रुप का अरेंजमेंट त्रिविम में, थ्री डायमेंशन में अलग अलग है, तो क्या होगा? इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो आपस में त्रिविम समावयव कहलाएंगे, और उनका यही गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो भी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि क्या होती है। डेफिनेशन लिखें अगर हम त्रिविम समावयव की, कैसे लिख सकते हैं? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान हो, परंतु जिनके अणुसूत्र या संरचना सूत्र समान हो, परंतु क्या होगा? परंतु त्रिविम थ्री डायमेंशनल स्पेस, त्रिविम में समूहों का वितरण भिन्न भिन्न प्रकार से हो, भिन्न भिन्न प्रकार से हो तो वे आपस में त्रिविम समावयव कहलाते हैं तथा इनका यह गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिनके अणुसूत्र भी समान हैं, संरचना सूत्र भी समान है, यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो उनमें एटम जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस में, यानी कि आसपास की खाली जगह में या स्पेस में, आकाश में वितरण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। बताया, या तो प्लेन पर हो सकते हैं, तल पर हो सकते हैं, या तल के ऊपर उपस्थित हो सकते हैं, या तल के पीछे उपस्थित हो सकते हैं, बिलो द प्लेन हो सकते हैं। तो इस तरह उनकी थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट अलग अलग हो तो उन्हें क्या कहते हैं? त्रिविम समावयव कहते हैं। तो हमने कल लिखाए थे त्रिविम समावयव तो कितने प्रकार की होती है, इसके तीन टाइप लिखाए थे। कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे। पहली थी ज्यामितीय समावयवता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं हम, क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ये जो समावयवता होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कुछ क्या कहते हैं पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन मौजूद है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड है, मान लो ये क्या है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो आसानी से क्या हो सकते हैं? रोटेशन हो सकती है सिंगल बॉन्ड के अलोंग, यानी कि जब दो परमाणु किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो आसानी से घूर्णन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ दो एक की जगह कितने जोड़ दूं? दो बॉन्ड लगा दूं,
यानी एक और बॉन्ड बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये एक जगह पर फिक्स हो जाएगा, फिर इसमें मोशन नहीं होगा, यानी कि ये फिर घूर्णन नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित घूर्णन। तो जो इस प्रकार की जो समावयवता यानी ज्यामितीय समावयवता है, ये किन के लिए डिफाइन है, ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों के लिए डिफाइन है जहां पर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। जैसे कि एक तो ये कंडीशन हो जब कार्बन कार्बन के बीच क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो जो रोटेशन थी वो नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबंधित घूर्णन होगा। या तो फिर मॉलिक्यूल क्या हो, हमारा वलय की अवस्था, वलय बना रहा हो, यानी कि रिंग फॉर्म में हो, तो क्या होगा, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये भी रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, यहाँ पर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ये क्या है, दृढ़ है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या है कि यहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इन कार्बनों से, यहाँ पर भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये दोनों कार्बन कार्बन है, तो इनसे कुछ समूह जुड़े हुए होंगे, तो उन समूहों के विन्यास को त्रिविम में क्या कहेंगे, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया, तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है किसकी वजह से उत्पन्न होती है, जब प्रतिबंधित घूर्णन हो दो कार्बन कार्बन के बीच में, या किसी कार्बनिक यौगिक में जब प्रतिबंधित घूर्णन हो तो उससे जुड़े हुए समूह एक विभिन्न एक निश्चित अरेंजमेंट एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि एक निश्चित अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, उस निश्चित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से मौजूद हो तो इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पर रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, कि रोटेट करके CH3 नीचे आ जाए, H ऊपर चला जाए, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर क्या प्रतिबंधित घूर्णन है। तो जो समावयवी या के जो ग्रुप इससे जुड़े हुए होंगे, जो समूह इससे जुड़े हुए होंगे, वो एक निश्चित अरेंजमेंट में ही रहेंगे, अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसी तरह की जो व्यवस्था आती है इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर सेम समूह क्या है, अपोजिट साइड है, तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस। ऐसे ही हो सकता है कि दोनों सेम समूह क्या हो, सेम साइड हो, तो इसे क्या कहते हैं, सिस। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये कैसे हो, क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, क्या लिखेंगे, तो वह त्रिविम समावयवता, त्रिविमीय, तो वह त्रिविम समावयवता जो द्विबंध या चक्रीय, जो द्विबंध या चक्रीय जैसी दृढ़ संरचनाओं के चारों ओर समूहों के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, यानी उनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, घूर्णन जो है वो प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण बिंदु विन्यास प्राप्त कर लेने से उत्पन्न होती है, इसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है जब एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है जैसा कि अभी हमने लिखा था
CH3 CH3 H H, ये कौन सी है? ट्रांस। जब समान समूह क्या हो, विपरीत ओर हो तो इसे ट्रांस कहते हैं, और जब समान समूह एक ही साइड हो तो इसे क्या कहते हैं? सिस। ठीक है, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपको कुछ कंडीशन है। सिस और ट्रांस हर जगह नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन मौजूद है या नहीं। तो कौन सी कंडीशन हम देखते हैं सिस ट्रांस के लिए? सबसे पहली कंडीशन है, क्या होना चाहिए? प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो? प्रतिबंधित घूर्णन, यानी कि घूर्णन रोटेशन जो है वो ना हो पाए, प्रतिबंधित हो, यानी रोटेशन पॉसिबल ना हो। ऐसा तभी पॉसिबल है या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, या तो फिर क्या हो, कोई चक्रीय संरचना हो, क्योंकि चक्रीय संरचना दृढ़ होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो प्रतिबंधित घूर्णन है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन होते हैं, इन पर क्या होने चाहिए? आप देख सकते हैं क्या होने चाहिए? दो समान समूह होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो समान समूह होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको ऐसे लिख दूं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? A इक्वल टू B होना चाहिए और C इक्वल टू क्या होना चाहिए? D, यानी कि A और B समान होने चाहिए। ऐसे C और D भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन जो होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर दो समूह क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, तभी क्या होगी? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। अगर चारों अलग अलग हो गए तो वहां पर कोई सिस ट्रांस नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर अगर ए और बी लिखा है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी ए और बी समान होने चाहिए। ऐसे सी और डी भी क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए, लेकिन बी डी के बराबर नहीं होना चाहिए और ए सी के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मौजूद है तब तो सिस ट्रांस होगा, अदरवाइज सिस ट्रांस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ लिखूं डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन ऐसे दे दिया जाए तो क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड, पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन कि कार्बन कार्बन पर दो समूह समान होने चाहिए, यानी कि ये दो सेम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों भी तो सेम होने चाहिए। यहाँ पर देखें तो कितने समूह समान है? तीन समूह समान है, तो यहाँ पर हम सिस ट्रांस नहीं बता सकते, यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होगा, यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई सिस ट्रांस नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। समझ में आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और कहाँ पर मौजूद होती है? ठीक है, तो देखा आप लोगों ने इस प्रकार कि ज्यामिति समावयवता क्या होती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसे। तो यानी कि पहली कंडीशन होनी चाहिए सिस ट्रांस के लिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, पहली कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं उनसे क्या होने चाहिए? कम से कम कोई दो समान समूह जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, दो समूह तो समान होने चाहिए, यानी कि जैसे हमने लिखा है था, मतलब C डबल बॉन्ड C है तो ये A A और ये B B होना चाहिए, यानी दो समूह तो सेम होने चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखा है A B C D तो A इक्वल टू B होना चाहिए और C इक्वल टू D होना चाहिए, लेकिन A नॉट इक्वल टू C, A और C बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए बी के बराबर है और सी भी बराबर हो गया, यानी कि अगर ऐसा हो जाए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं है। यानी कि केवल क्या होने चाहिए? कोई दो समूह समान होने चाहिए, और अगर समान समूह एक साइड हैं, अगर ऐसा हो जाए जब समान समूह
एक और हो तो उसे क्या कहते हैं, सिस। और जब समान समूह कैसे हो, विपरीत हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांस। लेकिन सिस ट्रांस वाली कंडीशन तभी आएगी जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, यानी कि प्रतिबंधित घूर्णन होगा, तभी हम सिस ट्रांस कह सकते हैं। समझ में आया? तो अब देखते हैं अगली अगली समावयवता क्या है। हमारी अगली समावयवता अगली है त्रिबिंब समावयवता में जो दूसरी प्रकार की आती है वो है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता जिसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इस प्रकार की जो समावयवता होती है, प्रकाशिक समावयवता जो है किसकी वजह से उत्पन्न होती है, आणविक असममिति के कारण उत्पन्न होती है, यानी मॉलिकुलर एसिमेट्री के कारण। यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, असममिति होनी चाहिए, मॉलिकुलर एसिमेट्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार की समावयवता को हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो इस प्रकार के जो समावयव होंगे प्रकाशिक समावयव, उसमें क्या होता है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण तो सेम होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार विपरीत होता है। यानी भौतिक और रासायनिक गुण तो समान है, लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके प्रति ये अलग अलग तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ तो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो उसी आधार पर हम उनको क्या कहते हैं, डी और एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। यानी कि तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। सॉरी वो कैमरा थोड़ा डाउन हो गया था, अब आपको दिख रहा होगा, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो ये क्या होती है, हम लिखें डेफिनेशन लिखें, तुम लिख सकते हैं वह त्रिबिंब समावयवता जो आणविक असममिति मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के कारण उत्पन्न होती है, उसे प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ऐसे समावयवियों के, जैसा कि मैंने बोला, रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, परंतु तो लेकिन ऐसे समावयवियों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश PPL पेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कुछ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, कुछ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इसका मतलब जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है, तो वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, यानी ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा।
क्या लिखें हम यहाँ लिख सकते हैं, वे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, मैं PPL लिखूंगी, जो PPL प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी दिशा में घुमा देते हैं, किसी भी दिशा में घुमा देते हैं, यानी क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, या तो घड़ी की दिशा में घुमाएं या विपरीत दिशा में घुमाएं, लेकिन घुमाना ज़रूरी है। तो क्या उन्हें क्या कहते हैं, जो समावयवी, वे समावयवी जो PPL को किसी भी दिशा में घुमा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ध्रुवण घूर्णक, ऑप्टिकली क्या कहते हैं उन्हें, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं, यानी कि उनमें प्रकाशिक समावयवता का गुण पाया जाता है, यानी कि वो प्रकाश यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है। और जो PPL को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाते, किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक। ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं, ठीक है। एक तो होंगे जो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाते उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव ध्रुवण अघूर्णक कहते हैं, और जो घुमा देते हैं चाहे क्लॉकवाइज घुमाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक। और देखते हैं तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसे क्या कहते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते थे, वैसे इसे भी क्या कहते हैं, इसे DL आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि एक तो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होगा लेवो रोटेटरी। अब देखते हैं कौन डेक्स्ट्रो होता है और कौन लेवो होता है, तो यहाँ पर लिखें नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम क्या है, जो समावयवी PPL प्लेन पोलराइज लाइट को बाई दिशा में घुमाते हैं, बाई दिशा में घुमा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक, या इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें लेवियो रोटेटरी, क्या कहते हैं लेवियो लीवो रोटेटरी कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं लीवो रोटेटरी, या एल से प्रदर्शित करते हैं, या क्या कहते हैं उन्हें एल से प्रदर्शित करते हैं, लेवो रोटेटरी या एल कहते हैं हम शॉर्ट में लिखते हैं, या तो डी लिखेंगे या एल लिखेंगे। ऐसे ही अगला लिखें, जो समावयवी PPL को दाई दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, उन्हें क्या कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या डी से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और किससे प्रदर्शित करते हैं डी से प्रदर्शित करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयव क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL के प्रति अपना कोई व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो PPL के प्रति इनएक्टिव होते हैं यानी PPL को
कोई चेंज नहीं कर पाते, किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाते, उनको क्या कहा जाता है? ध्रुवण अघूर्णक, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और जो घुमा देते हैं पीपीएल लाइट को किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये किसकी वजह से उत्पन्न होती है? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के कारण उत्पन्न होती है। अब हम कहेंगे कोई भी मॉलिक्यूल कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके मॉलिक्यूलर को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर, एक कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर क्या होता है भैया? अब आप बोलोगे क्या होता है कायरल सेंटर, देखते हैं कायरल सेंटर क्या होता है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा दूं मैं इसे। किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी है, क्या कंडीशन चाहिए? तो कोई भी मॉलिक्यूल तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब क्या होगा उसके अंदर, यानी कि जब यहाँ से लिखूँ ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए यौगिक में क्या होना चाहिए, यौगिक में काइरल सेंटर उपस्थित होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब उसके अंदर क्या उपस्थित होगा, काइरल सेंटर। अभी काइरल सेंटर क्या होता है? हालांकि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनमें काइरल सेंटर नहीं होता लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन उनमें कुछ और कंडीशन होती हैं ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। जैसे उनमें काइरेलिटी तो होती है लेकिन सेंटर काइरेलिटी ना होकर के क्या होती है, प्लेनर काइरेलिटी होती है, एक्सियल काइरेलिटी होती है। जैसे एलिन्स हैं हमारे, साइक्लोफेन्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि काइरल सेंटर उपस्थित होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए जो कि sp3 संकरित हो, यानी जिस पर संकरण क्या हो, sp3 हो, और जिसके चारों बॉन्डों से अलग अलग समूह जुड़े हुए हों। तो ऐसे कार्बन को क्या कहा जाता है, काइरल सेंटर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन देखें काइरल सेंटर के लिए क्या होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन पर क्या होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, हम क्या देख रहे हैं, कंडीशंस देख रहे हैं कि क्या क्या जरूरी कंडीशंस हैं, क्या क्या स्थितियां जरूरी हैं जब काइरल सेंटर उपस्थित होगा। पहला तो कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए, दूसरा कार्बन से चारों अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, कार्बन से क्या होना चाहिए, चारों अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। तो उसे हम, अगर ऐसी दोनों कंडीशन मौजूद हैं, कार्बन पर sp3 संकरण है और चारों बॉन्ड अलग अलग समूहों से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लूँ, ये ले लिया मैंने, तो मैं इस कार्बन पे देखूं, यहाँ पर क्या है, ये काइरल सेंटर है। ये जो मैंने कार्बन पर स्टार लगाया, ये क्या है, काइरल सेंटर, क्योंकि ये कैसा है, sp3 संकरण है, इस पर चार बॉन्ड बने हुए, sp3 संकरण है। और देखूं तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह है, यानी कि चारों वैलेंसी इसकी चारों बॉन्ड किससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग समूहों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कार्बन जो होगा ये क्या कहलाएगा, काइरल कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
काइरल कार्बन कहलाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी कि इसके ऐसे मिरर इमेज होने चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे, जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर सुपर इम्पोज नहीं करता, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर सुपर इम्पोज नहीं करता, इस हैंड में अंगूठा इधर है जबकि इस हैंड में अंगूठा इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज, वो भी कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। अब आप तो बहुत से लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, क्या कहेंगे हम तो ऐसे रखेंगे, अब तो अध्यारोपित हो गए ना, लेकिन घुमाना नहीं है, रोटेशन नहीं करनी, मॉलिक्यूल जैसे बने हैं उनको वैसे ही अध्यारोपित करने हैं। एक ये है, एक ये इसकी मिरर इमेज है, मैंने आमने सामने रखी, मिरर इमेज है, अभी दोनों एक दूसरे के एक जैसे दिख रहे हैं ना, और अब मैं जब इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करूँगी तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, इसमें अंगूठा इधर है और इसमें अंगूठा इधर है, तो इसको काइरेलिटी को हम क्या बोलते हैं, हैंडेडनेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडेडनेस भी कहा जाता है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर उपस्थित होगा उसकी जो मिरर इमेज बनेगी, जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल मिरर इमेज बना लेते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल किसी मिरर के सामने रखा हुआ, ये सामने क्या है, मिरर है, हमने एक प्लेन रख दिया, इमेजिनरी प्लेन, तो ये क्या बनेगा, ये वाला पार्ट तो इधर दिखाई देगा, यानी CH3 CH2 इधर दिखाई देगा, कार्बन H अपनी जगह दिखाई देगा, OH अपनी जगह दिखाई देगा, और CH3 ऐसा दिखाई देगा। अब मैं इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखूं, तो क्या ये अध्यारोपित हो जाएगा, नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा, मैं इसके ऊपर रखूंगी तो अध्यारोपित नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे, आगे देखेंगे आप, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, जब ये अध्यारोपित नहीं होंगे तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इनेंशियोमर्स, प्रतिबिंब रूप इनेंशियोमर्स, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इनमें काइरल सेंटर मौजूद है, ऐसा कार्बन मौजूद है जिस पर चारों समूह अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ये कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और एक मॉलिक्यूल तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, इसकी मिरर इमेज होगी, प्रतिबिंब रूप होगा, इनेंशियोमर हैं, और ये दोनों आपस में संबंध क्या है इन दोनों का, कि ये दोनों आपस में क्या है, इनेंशियोमर हैं, ठीक है, आपस में क्या है, इनेंशियोमर हैं, और इनेंशियोमर वही होंगे जिनके अंदर काइरल सेंटर होगा, यानी जिनमें काइरेलिटी होगी, और काइरेलिटी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कंडीशन हमें देखनी होती है, कि मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब रूप जो बने वो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए।